हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के ट्रेड सेटअप के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यूएस मार्केट के बारे में बात करें तो कल हमें डाउ 30 और S&P 500 में एक डाउन साइड देखने को मिला, जबकि हम नैस्डैक के केस में यहाँ पे फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग को देख सकते हैं। करंटली ब्रेंट क्रूड ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है और हमें गोल्ड में कल एक काफी बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि 1904 डॉलर पर आउंस के रेट में यहाँ पे ट्रेड होता हुआ हम देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम एशियन मार्केट के बारे में बात करें तो वॉल स्ट्रीट कल डाउन साइड के साथ क्लोज होने की वजह से हमें एशियन मार्केट में एक नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिला, जिसके बाद हम SGX निफ्टी में आज एक फ्लैट ओपनिंग को देख सकते हैं। लेकिन हमें निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में आज यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का एक डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। तो आपको आज मार्केट 11,250 के नीचे ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके बाद हमें दिन भर इसमें एक कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर हम Q1 अर्निंग रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ नॉन निफ्टी कंपनीज दिखेंगे जो अपना Q1 रिपोर्ट आज पब्लिश कर सकते हैं, जिनमें से आरती इंडस्ट्रीज, आवास फिनेंशियर्स, अशोक लीलैंड, अरबिंदो फार्मा, भारत फौज, ब्रिगेड एंटरप्राइज जैसे नाम शामिल है। इसके बाद अगर हम कल अनाउंस हुए रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो कल अदानी पोर्ट एंड SEZ ने अपना Q1 रिपोर्ट को पब्लिश किया था, जिसके नेट रेवेन्यू में हमें Q1 में ऑलमोस्ट 18% का एक फॉल देखने को मिला, जबकि इसके नेट प्रॉफिट में हम इस बार 26% का एक फॉल को देख सकते हैं, जो कि इस बार 758 करोड़ यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। हम इसके नेट EBITDA और EBITDA मार्जिन में भी एक फॉल को देख सकते हैं। EBITDA इस बार 28% के मार्जिन से फॉल हुआ है, जबकि EBITDA मार्जिन को करंटली हम इस बार 57.9% पे देख सकते हैं। ये लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 65.9% था, तो आपको इसके प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल रहा है। इसके कुछ रीजंस कंपनी ने यहाँ पर बताया है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एक्सपेंस है और जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो हाई होने की वजह से इसके मार्जिन में हमें इस बार ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसका जो कार्गो थ्रोटपुट है वो इस बार लास्ट टाइम के मुकाबले 56.75 MMT के मुकाबले इस बार 41.4 तक MMT तक आ चुका है। तो आपको अगले कुछ दिनों तक इसमें थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे सकता है, तो आप इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो इसके Q1 रिपोर्ट में हमें फिर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो इस बार 8.4% के मार्जिन से फॉल हुआ है। इसके नेट प्रॉफिट को हम इस बार 24% के मार्जिन से फॉल होता हुआ देख सकते हैं, जो कि 192.3 करोड़ पे यहाँ पे देखा गया है। COVID-19 के प्रोविजनिंग के चलते कंपनी ने एडिशनल 180 करोड़ यहाँ पे एलोकेट किया है, तो आपको आगे इसके कुछ लोन्स डिफॉल्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जून के एंड तक इसका जो कलेक्शन एफिशिएंसी था उसमें हमें थोड़ी सी यहाँ पे इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 71% है। तो अगर अगस्त के एंड में यहाँ पे मोरेटोरियम कंप्लीटली क्लोज होता है तो आपको इसके कलेक्शन एफिशिएंसी में कुछ यहाँ पे इंप्रूवमेंट और आगे जाके दिखाई दे सकता है, और इसका जो प्रोविजनिंग है वो हमें Q2 में और भी ज्यादा कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में बात करें तो इसके Q1 रिपोर्ट हमें रिलेटिवली कुछ ज्यादा बुरा दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन होने की वजह से इसका जो मेन बिजनेस है यानी कि हेल्थ केयर सेगमेंट में इसे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। हम इस बार इसके नेट रेवेन्यू में 29.6% का एक फॉल को देख सकते हैं, जबकि इसका नेट प्रॉफिट इस बार 89.2% के मार्जिन से डाउन हुआ है। यहाँ पे आज 2.9 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट को डिक्लेयर किया गया है और इसके EBITDA को यहाँ पे हम ऑलमोस्ट फ्लैट लास्ट टाइम के मुकाबले देख सकते हैं। इसमें हमें 78% यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिक्लाइन, और इसका जो EBITDA मार्जिन है वो हमें ऑलमोस्ट
8.46% पे इस बार देखने को मिल जाता है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 27.1% पे देखा गया था। तो करेंटली इस स्टॉक में थोड़ी कुछ दिनों के लिए यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकता है। तो आपको इस स्टॉक में करंट सिनेरियो में एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कल यूएस मार्केट एक डिक्लाइन के साथ क्लोज हुआ था, तो आज हमें मार्केट में थोड़ी सी डाउनसाइड दिखाई दे सकता है। तो आप मेटल सेक्टर को पॉजिटिव साइड में यानी कि बाइंग साइड में ट्रेड करने से यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। इन केस अगर आपको निफ्टी 11,250 के नीचे ओपन होता हुआ दिखे और वहाँ पे एटलीस्ट 15 मिनट तक सस्टेन होता हुआ दिखे, तो आप आज टाइटन में अपना सेल ट्रेड लेने के बारे में प्लान कर सकते हैं। उसमें आपको एटलीस्ट 1% का टारगेट यहाँ पे नीचे के साइड में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे इंडियन ADR के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें एक मिक्स ट्रेंड दिखाई देगा। हम सिर्फ टाटा मोटर्स और डॉक्टर रेड्डीज के केस में यहाँ पे एक फॉल को देख सकते हैं, जबकि दूसरे सभी स्टॉक्स में हमें एक फ्लैट ट्रेंड दिखाई देता है। हम सिर्फ ICICI बैंक और HDFC बैंक के केस में यहाँ पे एक मार्जिनल रैली को देख पा रहे हैं। अगर हम फंड फ्लो के बारे में बात करें तो अभी भी FIIs मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं और DIIs यहाँ पे मार्केट में नेट सेलर्स हैं। FIIs ने कल 1014 करोड़ का माल को खरीदा, जबकि DIIs ने कल 1415.5 करोड़ का माल यहाँ पे बेचा हुआ है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें जी एंटरटेनमेंट और JSPL में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन देखने को मिलेगा, जबकि हम इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा में एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन को देख सकते हैं, जबकि हमें शॉर्ट कवरिंग वोल्टास और BPCL में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फाइनली अगर हम कुछ ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला न्यूज अदानी पोर्ट्स एंड SEZ की ओर से आता है, जिसमें कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की मदद से यहाँ पे मार्केट से ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रेज करने के बारे में सोच रही है, और इसका जो अप्रूवल है वो कंपनी ने CCI ऑफ इंडिया यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से ले चुकी है, जो कि यहाँ पे कृष्णपट्टनम पोर्ट का एक्विजिशन को लेते हुए यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। ये डील हमें Q2 FY 2021 तक कंप्लीट होते हुए दिखाई दे सकता है। इन केस अगर ये डील कंप्लीट होता है तो बैंक तो अदानी पोर्ट्स को अपना बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने में काफ़ी मदद मिल सकता है। इसके बाद अगर हम HDFC लिमिटेड के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने QIP और NCD के मदद से मार्केट से 13,693 करोड़ को रेज कर चुकी है, और ये एडिशनली आगे जाके 3,690 करोड़ यहाँ पे अपने दूसरे प्रीमियम सिक्योरिटी और ऑल वारंट से यहाँ पे मार्केट से इश्यू कर सकती है। तो आपको HDFC में आगे जाके एक अच्छा लिक्विडिटी देखने को मिल सकता है, जिसे कंपनी को इस टफ टाइम में अपना जो बिजनेस है उसे रन करने में काफ़ी मदद मिल सकता है। इसके बाद अगर हम आइशन मोटर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी अपने शेयर स्प्लिट करने के बारे में सोच रही है, जो कि पहले 10 रुपये पर शेयर था, वो आगे जाके हमें 1 रुपये पर इक्विटी शेयर देखने को मिल सकता है, और ये हमें अगस्त 11 से अगले 2 से 3 महीने के अंदर यहाँ पे ये स्प्लिट प्रोसीजर कंप्लीट होता हुआ मार्केट में दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम मुथूट फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मुथूट फाइनेंस के केस में जो कंपनी अपने बोरोइंग लिमिट है उसे बढ़ाना चाहती है, जो कि करंटली 50,000 करोड़ पे यहाँ पे देखा गया है। वो कंपनी इसके लिए शेयर होल्डर का परमिशन लेना चाहती है, और उसके बाद ये अपना बोरोइंग कैपेसिटी को 75,000 करोड़ तक पहुँचाना चाहती है। इसके बाद अगर हम एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी फंड रेजिंग प्लान के बारे में सोच रही है, जिसके लिए ये कुछ डेट सिक्योरिटी का सहारा ले सकती है। इसके बाद फाइनली हम बात करेंगे सिक्वेंट साइंटिफिक के बारे में। इसमें सिया हार्बर इन्वेस्टमेंट अपना एक ओपन ऑफर कर रही है, जिसमें कंपनी का ये 6.45 करोड़ शेयर्स को यहाँ पे खरीदना चाहती है। ये ओपन ऑफर हमें अगस्त 25 से लेकर सितंबर 7 के बीच में देखने को मिल सकता है। तो आपको इस पीरियड के बीच में सिक्वेंट साइंटिफिक में थोड़ी सी मार्केट में हलचल यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो आप
इस स्टॉक के ऊपर अगले कुछ दिनों तक अपना फोकस बनाए रख सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इन केस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।